एक बार में चलो सुरेंद्र कुमार सुरेंद्र यही है पक्का ही है दिखा दो सब यही है इद्रिश खान छोटी जिनके फोन मिले हैं बाइक करने थोड़ा दे दिया शॉट मोबाइल हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल लगता है और सबसे ज़्यादा जो गुम होने की शिकायतें आती हैं न सिर्फ क्राइम ब्रांच में बल्कि पूरे ज़िले में तो उसमें सबसे ज़्यादा संख्या मोबाइल की होती है। कई बार कुछ लापरवाही से कुछ असावधानी से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आम व्यक्ति को तत्काल पुलिस तक पहुँचने में मदद करें, खास तौर पर इसके तकनीकी उपयोग, क्योंकि मोबाइल जब गुम होता है तो सिर्फ उसका मूल्य ही नहीं, उसमें बहुत सारे जो ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, जानकारियां, इन्फॉर्मेशन रहती हैं, जिसके कारण उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में क्राइम ब्रांच में मोबाइल लॉस्ट फेल यूनिट है अलग से, यानी कि जो मोबाइल इस तरह से गुम होते हैं उनके लिए एक अलग से यूनिट है जो लगातार सक्रिय रहती है। ऐसे लगभग पिछले दिनों जो शिकायतें आई थी, ऐसे 300 मोबाइल्स को क्राइम ब्रांच ने ढूंढा है। इन 300 मोबाइल्स को उनके जो धारक हैं उन तक पहुंचाया गया है और यह जो संख्या है सिर्फ यहां से नहीं कि स्थानीय तौर पर ही यहां से ढूंढा गया हो, ये पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से, आपने प्रदेश के अलग अलग जिलों से टीमें गई और इन्होंने इसको ढूंढ करके लाया। पुलिस इस मामले में पुलिस ने काफ़ी संवेदनशीलता से काम किया है। इसमें 56 लाख रुपये के मूल्य के लगभग 300 मोबाइल्स हैं, आज इनके धारकों को इनको सौंपे जाएंगे और ख़ास तौर पे अगर इस तरह के मोबाइल अगर कभी गुम होते हैं तो जो भी धारक हैं, उपभोक्ता हैं ख़ास तौर पे, वो जो क्राइम ब्रांच में इस तरह की शिकायत दर्ज कराएं, सूचना भेजें, तत्काल जो यूनिट है इस तरह की एक्टिव हो जाती है, लगातार मॉनिटरिंग करती है और उस मॉनिटरिंग के बाद मोबाइल को लेकर के उनके धारकों तक पहुँचाया जाता है। इसी कड़ी में आज की ये बड़ी कार्रवाई है। इसमें ख़ास तौर पर जो एडिशनल CP क्राइम है, DCP क्राइम है और एडिशनल DCP क्राइम है, इनकी पूरी टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत से और लगातार प्रतिबद्धता से काम किया है।